हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? कई दिन से सही से ब्लॉग नहीं डल पा रहे थे, सो उसके पीछे बेसिकली रीज़न था और अब मैं कंटिन्यूसली ब्लॉग डाल पा रहा हूँ अपना। आज भी मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और मैं बना रहा हूँ सैंडविच, बहुत बेसिक सा छोटा सा सैंडविच, सिंपल। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्याज है, टमाटर है और खीरा है, और ब्रेड को मैंने ऐसे सेक लिया है तवे पर, और ये दो सिक गए हैं, ये दो सिक गए, ये सिक रहे हैं ऐसे ब्रेड को सेक करके। छह बहुत हैं ना, छह में आ जाएंगे सारा, मैं छह में कवर कर लूँगा। अब देखो तवे पर है ना, सेकने में ज़्यादा गर्म भी हो जाता है और जलने भी लग जाता है, तो बहुत जल्दी सेकना है, मतलब गैस मंदी है और ज़्यादा करारे नहीं करने हैं, नहीं तो फिर ये जल ही जाएगा। जैसे हट गया, अब इन दोनों का नंबर, प्याज टमाटर खीरे, आज मैंने बहुत पतली पतली सी स्लाइस करी है प्याज की, देखो कितनी पतली सी स्लाइस है प्याज की। सो ये हमारे छह टोस्ट बन के रेडी हो गए हैं। क्या एक और लूं? सात ले लेते हैं। वन मोर। इस ब्रेड के पैकेट को रख देते हैं अंदर फ्रिज में। गैस तो बन रही होगी? नहीं, गैस चल रही है। ये सिक गए, थोड़ा सा और सिकने देते हैं इसको, ये भी सही से नहीं सिका, ये सिक गए ठीक ठीक। भूख लग रही थी तो सबसे क्विक तरीका तो यही है कि ब्रेड रखी हैं और प्याज टमाटर खीरा डाल के उनमें खा लिया जाए। पहले खाता था मैं ये चीज़, मैंने तकरीब कब खाई थी, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था ना, 7th, 8th में था ना, जब 2003-4-5 के आसपास, तब खाता था मैं इस तरह से, भूख लगती थी। तो इतने सालों के बाद खा रहा हूँ मैं ऐसे बना के कि भूख लगी है तो ब्रेड सेक के उसमें इस तरह से खा रहे हैं। अब देखो एक इसको सबसे बाद में लेंगे क्योंकि गर्म सा है। अब इसमें हम टोस्ट बना लेते हैं अपना। क्या डालेंगे? एक प्याज बीच में, एक खीरा टमाटर, खीरा इस तरह से खीरे भर लेते हैं बीच में, खीरे ज़्यादा हैं अपने पास, बस टमाटर भी कम हैं, तो सब में साथ में कवर करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हैं ये स्लाइस, ज़्यादा ले लेते हैं। चलो ये बन गया, अब एक सैंडविच। मुड़ जा मुड़ जा, एक हाथ से मोड़ना पड़ रहा है। ये लो, ये बन गया एक सैंडविच, खा के देखूं। अच्छा, कितनी देर लगी? मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगे, और 10 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे पेट में प्याज टमाटर काटे हैं, खीरा काटा है और ब्रेड सेके हैं। इन सबको मैं बना लेता हूँ, रेडी कर लेता हूँ एक एक करके, उसके बाद देता हूँ मम्मी को और हेमा को। सो, अब मैंने रेडी कर लिए हैं सारे, तीन और तीन छः, छः बने हैं, एक मैं खा चुका है ना। इस तरह से देखो इसकी बहुत बेसिक सी स्टफिंग, इससे ज़्यादा बेसिक स्टफिंग क्या होगी सैंडविच की, है ना। रेडी हैं, इजी टू ईट, इजी टू मेक, लेट्स ईट। खाओगे पापा जी?
लो ये खाओ। ओह माय गॉड, हम सब साथ के साथ खा चुके हैं, दो मम्मी को दिए, दो मैंने खाए और चार खा लिए, तीन आपने खाए, ठीक है तीन, तीसरा गप, खाने ये तीसरा। अच्छा तो टेस्ट में कैसा लग रहा है आपको? ये ब्रेड जैसा, अच्छा ये खीरा जैसा, अच्छा ये बिल्कुल टमाटर जैसा, टमाटर जैसा और ये बिल्कुल सॉस सॉस जैसे, और ये बिल्कुल प्याज जैसा लग रहा होगा। ठीक है, देखो नेचुरल टेस्ट आ रहा है इस डिश में, सो कोई मिलावट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं हो रहा है, एकदम नेचुरल टेस्ट आ रहा है और कस्टमर बहुत खुश लग रहा है इसको खा करके। साथ में दूध पत्ती भी, थोड़ी सी मीठी होगी दूध पत्ती, और दूध पत्ती भी पी जा रही है हम, हमारे द्वारा हमारे द्वारा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का ब्रेड वाला प्रोग्राम। सो अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।